और जी क्या हाल चाल है आप लोगों के भाई। ये वीडियो 18 प्लस के लिए है, मतलब एडल्ट्स। अगर आप बच्चे हो तो फिर आप गलत चैनल में घुस गए हो, जाके पेपा पिक देख लो या फिर टॉम एंड जेरी के शो देख लो। ये जो एडल्ट की डेफिनेशन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारत सरकार ने तो कह दिया कि 18 प्लस वालों को भारत सरकार चुनने का अधिकार है, चुनते तो अपना कहते भी ढंग से नहीं है, भारत सरकार पता नहीं कैसे चुनेंगे। एनीवे जो भी है, चलिए अगर आप एडल्ट्स हैं तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं गुड मॉर्निंग। या कौन आदमी रात के टाइम में गुड मॉर्निंग करता होगा, मैं कर लेता हूँ। मैं थोड़ा पुराने जमाने का हूँ, ओल्ड फैशन टाइप का, क्योंकि मुझे तो याद है अपने मास्टर जी की वो कहानी जिसमें कहा गया था जब जागो तब सवेरा। कुछ लोग जागने का मतलब मान लेते हैं कि भाई सुबह सोने के बाद जब मुड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं जागना। मेरा मानना तो यह है कि जागने का मतलब ये भी है कि जब हम ये समझ जाएं कि हमें क्या करना था, हम क्यों पैदा हुए, रोटी बनाने के लिए या सब्जी खाने के लिए या फिर अपने करियर को बनाने के लिए। कामयाब करियर हम उसे ही बोलते हैं जहां हमारे पास बढ़िया सा पैसा हो, इज्जत हो, शोहरत हो और हम अपने मन की इच्छाएं पूरी कर सकें, दुनिया घूम सकें, खा पी सकें, मौज कर सकें, और इसी के लिए हम लोग अपने करियर के पीछे पड़े रहते हैं। करियर डेवलप करना या फिर करियर को अचीव करना इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है जितना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। काम तो भाई कुछ भी आसान नहीं है, रियलिटी देखो तो। बहुत लोग कहते हैं कि भाई नेट का एग्जाम निकलने का चलो बीटीसी कर लो या फिर बीएड का एग्जाम कर लो। क्या वो आसान था? कितने सारे बीएड बीटीसी वाले भी काम कर रहे हैं। और अगर तुम्हें ऐसे ही काम निकालना है कि बीएड करके टीचर बन जाओ तो कंडक्टर बन सकते हो, बस के ड्राइवर वो भी बन सकते हो, इच्छा तुम्हारी है। सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, मजदूर भी और साहूकार भी। तुम्हें क्या बनना है ये तुम पर डिपेंड करता है। इतनी सारी पढ़ाई की है, उस पढ़ाई को कैश करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है एग्जाम क्वालिफाई करना, वो एग्जाम जो हमारे करियर को कामयाब बना दे और हमें फेलोशिप दिला दे। बट ये एग्जाम क्वालिफाई कौन लोग करते हैं? ये करते हैं बॉर्न जीनियस। और अगर तुम बॉर्न जीनियस हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। जीनियस लोग तो वो होते हैं जो बैठ के पिक्चर देखते हैं, गाने सुनते हैं और मुंह धोकर के एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कराते हैं। जीनियसों की एक खास बात है, उन्हें तैयारी नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो तो बॉर्न जीनियस है। या फिर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तुम जैसे लोग या हम जैसे लोग। यार आज की तारीख में जो भी कुछ आप अपने आसपास देखते हो, गाड़ियां, हवाई जहाज, रॉकेट, मोबाइल फोन या पेंसिल, जिन्होंने भी ये डेवलप किए हैं, इन्वेंट किए हैं, क्या ये लोग मंगल ग्रह से किसी जहाज में बैठ करके आए थे भारत में या फिर किसी और देश में, ताकि दुनिया में कुछ इन्वेंशन कर सकें और इस भारत के जो प्राणी हैं हम कीड़े मकोड़े टाइप के लोग, हमें कुछ बढ़िया चीज दे सकें? हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम ह्यूमन हैं। इवोल्यूशन की हुई सबसे बड़ी गलती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम बैंड बजा रहे हैं धरती का। बट पॉइंट ये है कि जो भी कुछ घटता है होता है सब इंसान ही कर रहे होते हैं और सब जीनियस नहीं होते। हम तुम जैसे लोग बहुत सारे होते हैं। नो डाउट लाइफ में कई बार लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भाई तुझसे नहीं होने का, ये तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे, कुछ और ऑप्शन तलाश ले। अब जैसे मुझे जब 10th के बाद में साइंस लेनी थी 53% के बाद, तो मेरे भी घरवालों ने बोल दिया साइंस साइड मत लो भाई, तुझसे चलेगी नहीं। जब मैं 12th में फेल हो गया तो उन्होंने बोल दिया आर्ट साइड ले लो। और लो जी फिर भी मैं यहाँ बैठा हुआ तुम्हारे साथ बैठ के CSIR NET की बात कर रहा हूँ। नेट अगर मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ तो फिर तो भाई कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, सिंपल सी बात ही है। कोई ऐसी बड़ी टॉप चीज नहीं है कि इसे क्वालिफाई करने के लिए कोई अलग से ही लोग बनेंगे। मुझे याद है कि मास्टर साहब हमें एक बचपन में कहानियां सुनाया करते थे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलन पर परत निशान। मतलब अगर अपनी पे आ जाए कोई चीज और वो बार बार एफर्ट्स करती रहे तो पत्थर पे भी निशान छोड़ सकती है, चाहे कितनी कमजोर क्यों ना हो। सिमिलरली किसी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए हमें हार्डवर्क की जरूरत है और तुम्हारी जरूरत है, तुम ही हो जो एग्जाम निकालोगे। एग्जाम का मतलब केवल ऐसा नहीं होता कि जो हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं नेट के, गेट के, DBT वगैरह के। एग्जाम तो लाइफ में भी है, जिंदगी में भी कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आप कहोगे कि ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे होगा नहीं। ये तुम्हारा बिलीव है भाई, बड़ा बिलीव है तुम्हारे ऊपर, अपना खुद का बिलीव तुम्हारे ऊपर कि तुम ये काम नहीं कर सकते और इसलिए तुम वो काम कर नहीं पाते। तो हार्डवर्क की जरूरत है और तुम्हारी भी। और जो दिक्कत है ना बीच में कि तुम अपने एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं करते, ये कोई और नहीं है, दिक्कत तुम खुद हो। तुमने डिसाइड किया कि जी हमारे बस की तो है नहीं कुछ करना। यार ये जो ना दूसरों पर तुम अपनी कमियों का क्रेडिट जो देते हो, ये देना छोड़ दो। मेरा मास्टर खराब था, मेरे टीचर बेकार थे, तुमने पढ़ाई की ढंग से क्या? लोग इतनी मेहनत करते हैं लोगों के साथ में, बट ये जो लोग हैं दूसरे वाले जिन पर मेहनत की गई थी, काम ही नहीं करते। हाँ मेहनत करने से अच्छा है ये बोल देना कि जी किसी और की वजह से हम हार गए, तो हडल तुम हो।
अपने आप को दुरुस्त कर लो, अपने पे बिलीव कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्जाम आप देने वाले हो ना, इस एग्जाम में अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है 40,300 पर मंथ जेआरएफ के रूप में और 45,000 से ऊपर एसआरएफ के रूप में, कंटिजेंसी ग्रांट अलग से। एग्जाम का नाम है सीएसआईआर नेट। अगर इस एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। तो समझ लो एग्जाम होता क्या है, एमसीक्यू टाइप का पेपर आएगा 200 नंबर का। पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल एप्टी के, 15 करने होंगे। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आएंगे, 35 करने होंगे सब्जेक्ट के आपके, और सी में भी 75 आएंगे, 25 करने होंगे। वाओ, इतनी सारी छूट, 75 में से 25। लेकिन ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। बी और सी की तैयारी करने में भाई साहब लोगों को नानी याद आ जाती है, भूला कौन था नानी को, इसलिए मैं कह रहा हूं था डिफिकल्ट भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग अपनी जगह पर है भाई। जहां आज से अगर तुम बात करो तो लगभग 5 महीने हैं तुम्हारे पास इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, और 13 यूनिट है सब्जेक्ट की, बी और सी की, इसके अलावा जर्नल अलग से है। तो कुल मिलाकर के नियरली 150 डेज हैं, 150 टॉपिक्स के लिए। क्वेश्चन है कि तुम कर पाओगे क्या, तुम्हारे बस की है करना भाई, नर्वस होने से काम नहीं बनेगा। और हमेशा याद रखना कि गॉड हेल्प्स दोज हेल्प देमसेल्फ, तो पहले अपनी मदद खुद करना सीखो। जब तक तुम अपनी मदद नहीं करोगे, अपने पे बिलीव नहीं करोगे, उठ के खड़े नहीं होगे, तब तक तो भगवान भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। एनीवे, अगर चलो मान लिया हमने कि यूनिट डिफिकल्ट है, भगवान पता नहीं हमारी हेल्प करेगा नहीं करेगा, तो मत बोलो कि 145 में से अल्टीमेटली केवल 75 क्वेश्चन करने हैं। अगर कभी कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आप ना भी कर पाओ तो कोई दिल टूटने वाली कहानी नहीं है। अल्टीमेटली चॉइस अभी भी अवेलेबल है इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। तो समझदार इसमें कि आप तैयारी करोगे 100 क्वेश्चंस कम से कम के लिए, और तब 75 पर आप सिक्योर हो जाओगे। मत बोलना कि 75 क्वेश्चन कंप्लीट करने ही जरूरी है। देखिए, नेट वो लोग भी क्वालिफाई कर लेते हैं जिनकी 60% नंबर आए। 60% का मतलब यह है कि अगर वो इन 75 में से 60 भी कर जाए ठीक ठाक बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो भी वो एग्जाम जीत सकते हैं। चलिए फिर सिलेबस को हिट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या कहानी जरूरी है। 5 से 8 घंटे पर डे उत्तरी, अगर इतने घंटे पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या यार। तुम कभी कॉलेज गए हो, कॉलेज में क्लासेस कितने घंटे हुआ करती थी, 10 से 5 का कॉलेज था तुम्हारा या फिर 9 से 4 का। तो जब तुम कॉलेज कर सकते हो तो ये अपने आप को मनाना कि हमें एग्जाम की तैयारी के लिए 5 से 8 घंटे देने हैं, तो क्यों नहीं कर सकते भाई, करना क्या है। 50 मिनट का अलार्म लगाओ सुबह 9 बजे, नहा धो करके उठ करके और पढ़ने बैठ जाओ 50 मिनट। 50 मिनट खत्म हुए, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। जहां कॉलेज में कैंटीन थी तुम्हारे पास तो रसोई है ना, जाओ चाय बनाओ, मजे वजे करो, 10 मिनट बाद फिर वापस आओ और फिर एक पीरियड और लगाओ 50 मिनट का। यार अभी मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो 18+ वालों के लिए है, अब जो तुम सोच रहे हो ये बच्चों वाली बातें हैं। अगर तुम एडल्ट नहीं हो तो फिर देश की सरकार चुनना छोड़ दो। अगर तुम अपना खुद का शेड्यूल ही मेंटेन नहीं कर सकते, अपने आप से बात नहीं कर सकते कि हाँ जी 50 मिनट करके, तो हम लोग दिन में अगर 6 बार कर लेंगे तो करीब 5 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी हमारी। तो अगर तुम ये अपने आप को शेड्यूल में नहीं मान सकते, डिसिप्लिन नहीं कर सकते, फिर तुम एडल्ट नहीं हो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सरकार की परिभाषा 18+ = एडल्ट, मैं थोड़ा सा इस पर डाउट करता हूँ। कायदे में तो एक रिटन एग्जाम होना चाहिए ये देखने के लिए कि एडल्ट एडल्ट है भी या नहीं, वरना तो 80 साल के बच्चे होते हैं और 12 साल के भी लोग एडल्ट हो जाते हैं। स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, हु यू आर। तो भाई रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, बच्चे पालने हैं या फिर सब्जी की दुकान खोलनी है, बिलीव कर लो अपने ऊपर। यकीन मानो शिद्दत से अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारी सब्जी की दुकान भी खुल जाएगी, या फिर दूसरा रास्ता भी है, शिद्दत लगा लो अपनी पढ़ाई में और बिलीव करो इस बात के ऊपर कि तुम इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। जो कमी थी वो पढ़ने में थी और मेहनत करने में थी, जो तुम पूरी कर लोगे। और इफ यू बिलीव योरसेल्फ तो फिर बाकी लोग भी बिलीव करना शुरू कर देंगे। वो जो तुम्हारा पड़ोसी बोलता ना तेरे से ना होगा, ठान लो उसको झूठा साबित करने की। जब वो बोलेगा तेरे से ना होगा और तुम उस एग्जाम में क्वालिफाई करके वापस उसके मुंह पर रिजल्ट देके मारोगे, तो बोलेगा मैं तो पहले ही कह रहा था भाई, तुम्हें दम है, बाकी सारे काम है। एनीवे, एक शेड्यूल प्रिपेयर करो अपना हर रोज का। सुबह उठो, नहाओ धो, कॉलेज जाने की तैयारी करो, बट कॉलेज मत जाओ, अपने मेज पर जाके बैठ जाओ, पढ़ाई करो। घंटे घंटे के हिसाब से दिन में 5 से 8 घंटे तो निकाल ही लो। अब बात आती है कि ये एग्जाम में जो तैयारी करनी है वो आना क्या है। सेक्शन ए की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे,
जर्नल साइंस के क्वांटिटेटिव रीजनिंग एनालिसिस और रिसर्च का एप्टीट्यूड। भाई जो भी कैंडिडेट है 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 20 में से हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स 30 होंगे, मतलब 15% तो यहीं से निकल के आने वाले हैं इस CSIR नेट के एग्जाम में। लोग कहते हैं ये बड़ा टफ मैथ्स आता है, मान लिया जी मैथ्स आता होगा, 2+2=5 होता है, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही तुम्हें मालूम होगा। भाई ये जो मैथ्स की कहानी है ये इतनी क्रिटिकल भी नहीं है, 10वीं क्लास करिए तुमने या सीधे BSc में आ गए, MSc में आ गए, और अगर तुमने 10th की है तो सबको पता है भारतवर्ष में पिछले काफी सालों से 10th के अंदर सभी सब्जेक्ट अनिवार्य हैं, तो मैथ्स तो तुमने भी कर रखा है, झूठ बोलना बंद करो कि तुमने मैथ्स नहीं कर रखा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री आपने वहां पढ़ी थी, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, स्टैट, ग्राफ का एनालिसिस, सीरीज, ये सारी ही बातें घूम फिर के यहां भी आने वाली हैं। इसके अलावा भी कुछ एक थोड़ी सी नॉलेज और चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। भाई अगर दिमाग तुम्हारे पास है तो फिर तो काम बन जाना ही था ना। अब लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर वाले तो ये बोलते हैं कि इसका दिमाग कम है, इससे ना होगा। तो किससे होगा फिर, दिमाग तो मेरा काम नहीं है। जब मैं दुकानदार के पास जाता हूँ 100 रुपए दे के सब्जी खरीदता हूँ तो बाकी कितने पैसे दिए लुट के तो नहीं आता, कई बार लुट के जरूर आता हूँ। तो ये दिमाग तो हमारे पास सबके पास है, जो डेली लाइफ में मैथ्स खेलते हैं वही मैथ्स हमें यहाँ चाहिए। पिताजी ने कहा भाई बाल्टी भर लाओ, तो बाल्टी को केवल भर क्यों रहे हो, देख तो लो पानी कैसे जा रहा है, बाल्टी की शेप कैसी है, कितना पानी भरा, कितना लेवल बढ़ा। यही बातें हैं जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। रही बात मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो CBSE बोर्ड की 9th की और 10th की किताब पढ़ लो, कुछ रीजनिंग की किताब भी देख लो जो तुम्हारे इलाके में बड़ी प्रसिद्ध हो। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में RS अग्रवाल नाम की बुक हो सकता है, बाकी जगह भी हो, ये किताब अच्छी खासी है। और ऐसी ही बहुत सारी और किताबें भी आती हैं रीजनिंग की, उन रीजनिंग किताबें भी हाथ साफ करना शुरू करो। और प्रेजेंस ऑफ माइंड तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, माइंड अगर हो तो उसे प्रेजेंट कर लो, अब्सेंट मत करो। सेक्शन बी और सी जैसे कि फोटोग्राफ दिखा रहा है, जीवन के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स की, प्लांट की और एनवायरमेंट की। और इसीलिए यहां हमें बात करनी होती है हार्डकोर बायोलॉजी की, इतनी हार्डकोर होती है कि भाई कईयों की तो हड्डियां चरमरा जाती हैं पढ़ते पढ़ते। मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, सेल चाहे बैक्टीरिया की हो चाहे यूकैरियोट्स की, प्लांट या एनिमल, सभी सेल्स में ये बायो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, केमिकल बॉन्डिंग, फिर कार्बोहाइड्रेट लिपिड बायो मॉलिक्यूल्स हो गए, फिर फोर्सेस हो गई, फिर बायोफिजिकल केमिस्ट्री, अब डिफरेंट तरह की पाथवेज, एंजाइम्स की स्टोरी, प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में और स्टेबिलिटीज के बारे में, और फिर लास्ट में आ गया मेटाबॉलिज्म। अब अगर तुम हो चतुर सिंह, तो भाई चतुर सिंह तो ये करेगा कि किताब खोलेगा, ए पॉइंट बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, अब मैं इस एक टॉपिक को पढ़कर ही खत्म कर दूंगा। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आखिरी सांस ले रहा होगा, तब मैं बोलूंगा जी मैंने यूनिट नंबर 1 का एक टॉपिक खत्म कर दिया। लेकिन अगर तुम चतुर सिंह नहीं हो और तुम हो एक पढ़ने वाले बच्चे, तो तुम पढ़ोगे एटम्स, एटम्स से आओगे मॉलिक्यूल, लेकिन सीधे नहीं आने वाले, केमिकल बॉन्ड पढ़ने के बाद मॉलिक्यूल पाओगे, और यहीं पर तुम ये बाकी बॉन्ड भी कर लोगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम यूनिट्स में टॉपिक के हिसाब से जाओगे तो पागल बन जाओगे। लास्ट में एग्जाम वाले दिन एक सब्जेक्ट नहीं होगा, 150 टॉपिक होंगे, कहां कहां किस किस को रिवाइज करोगे, कहानी को बिल्ड कर लो। एक एटम था, उसे दूसरा एटम पसंद आया, वंडरवाल का इंट्रोडक्शन काम आया, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई भगवान जाने, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो फिर कोवलेंट बॉन्ड हो गए, और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से और क्या क्या हुआ, जैसे कि मॉलिक्यूल बना। कहानी को बिल्ड करने की आदत डालो, सीरीज में चीजों को पढ़ो। अब अगर तुम कार्बोहाइड्रेट तुमने यहां पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड्स क्या है, तो उसके बाद लिपिड मत पढ़ो मेरे लाल, कार्बोहाइड्रेट के बाद जाके पढ़ो सीधा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और जब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे होगे तो तुम पढ़ोगे बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर। कहानी को सीरीज में पढ़ने की आदत डालो। जब तक ये लिंक्स या नक्शे नहीं बनेंगे तो एग्जाम वाले दिन दिक्कत होने वाली है। और अगर तुम दिक्कत से बचना चाहते हो तो ये सिलेबस का जो पैराडिज्म है ये तोड़ दो, सब चीजों को एक कहानी में जोड़ दो। अब बात आती है कौन सी किताबों से आपको पढ़ना चाहिए। लेनिंजर की प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री और बर्ज की बायोकेमिस्ट्री, दोनों किताब बड़ी अच्छी है पढ़ने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि एक किताब में जहां जो बात अच्छी दे रखी है दूसरी किताब में वो बेकार है लेकिन कुछ और अच्छा दे रखा है। इसलिए अगर तुम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो तो दोनों किताब का चैप्टर पढ़ो, अगर तुम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हो तो दोनों से पढ़ो। दोनों किताबों से पढ़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी वो ज्यादा बढ़िया और ज्यादा ताकतवर निकल के आएगी।
एक अकेली टेक्स्ट बुक काफी नहीं है। हाँ, इस चैप्टर की सारी कहानियां जो ये यूनिट नंबर 1 है, ये आपको इन दो किताबों में मिल जाने वाली हैं, कुछ एक बातों को छोड़ करके। अब आती है बात नंबर 2 की, जहां हम बात कर रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेल का मतलब है बाहर से अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन की बात करो पहले, फिर उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी बात करो, फिर बात करो न्यूक्लियस में जीन्स एंड क्रोमोसोम्स की, सेल डिवीजन, सेल साइकिल की, और फिर मैक्रोबियल फिजियोलॉजी की। ये है तो एक यूनिट के अंदर, लेकिन इन सारी कहानियों को पढ़ने के लिए जो किताबें आपको चाहिए वो किताबें सेल बायोलॉजी की हैं। अब चाहे ये बात कर लो आप ब्रूस भाई साहब की या लॉडिस जी की किताब पढ़ लो, ये दोनों सेल बायोलॉजी किताब है। तो इसके अलावा ये मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ जीन वाटसन की, ये किताब भी काम में आएगी। देखिए, मेम्ब्रेन आप अल्बर्ट ब्रूस से लॉडिस से पढ़ सकते हो, इन दोनों में से किसी एक से या दोनों को मिला करके। मेरी आदत है मिला के पढ़ने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइसोसोम्स को मैं अल्बर्ट ब्रूस से भी पढ़ूं और फिर उसी लाइसोसोम को मैं लॉडिस से पढ़ूं, तो मेरी जानकारी जो निकल के आएगी वो ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा चांस होगा कि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर पाऊं लाइसोसोम के बारे में। और जब तुम एक बार पढ़ लोगे ना, यकीन करो एक बार पढ़ के देखो इस बात को कि पेरोक्सिसोम्स और लाइसोसोम्स दोनों किताब से पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दो किताब मिलाने का फायदा क्या होता है। कॉकटेल, अरे कॉकटेल तो वैसे फेमस है यार। और रही बात इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड जीनोम क्रोमोसोम्स की, कहने को वैसे ये पार्ट है अवेलेबल अल्बर्ट ब्रूस के अंदर, लेकिन फिर भी मेरी प्रेफरेंस ये है कि इस पार्ट को किया जाए वाटसन के साथ, अल्बर्ट ब्रूस से ना करो। सेल डिविजन, सेल साइकिल चल जाएगा, लेकिन माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के लिए भी आपको माइक्रोबायोलॉजी किताब पढ़नी चाहिए, जो मैं आगे नाम लेके आने वाला हूं। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, फंडामेंटल प्रोसेस, मतलब डीएनए की सारी कहानी, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे टूटता है, कैसे सुधरता है, आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये सारी कहानी, मतलब यूनिट नंबर 1, 2 और 3 यहां तक की, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन दे चुकी होंगी अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया तो। अब यहां भी इन चीजों को पढ़ने के लिए जो किताबें चाहिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन ये है बेसिक किताब, मेन सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल भी इस्तेमाल करो, लॉडिस की भी और अल्बर्ट ब्रूस की भी। कभी घर बनता हुआ देखा है क्या? ऐसा होता है कि किसी ने एक प्लॉट लिया, मिस्त्री बुला लिए, फिर उन्होंने एक नींव खोद दी, मतलब एक गहराई में, और एक दीवार खड़ी की। अभी घर पूरा बना नहीं है, केवल एक ही दीवार बनी है, बस इसी दीवार को चिन भी दिया, उसके ऊपर पेंट भी कर दिया और वहीं पर एक तस्वीर भी टांग दी। जब एक दीवार कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट दीवार पकड़ेंगे, फिर नेक्स्ट पकड़ेंगे, ओ मेरे लाल फिर तो बन गया घर। घर बनाने की फिलॉसफी सिंपल सी ऐसी है कि सबसे पहले एक प्लॉट लिया जाएगा, खाली प्लॉट, इस केस में प्लॉट है सब्जेक्ट। अब उस प्लॉट का एक नक्शा तैयार होगा, जिसे बोलते हैं आउटलाइन। फिर यह नक्शा पकड़ाया जाएगा मिस्त्री साहब को, उनसे कहा जाएगा भाई इस नक्शे के अकॉर्डिंग यहां बना दो किचन, यहां बना दो टॉयलेट, यहां बना दो लिविंग हाउस, और यहां बना दो डाइनिंग, या जो भी तुम्हें बनवाना हो, स्विमिंग पूल चाहिए था बोल देना उसको। अब ये जब स्ट्रक्चर बनने शुरू होंगे तो पहले सिर्फ दीवारें खड़ी होंगी, और वो भी स्कैफोल्ड के साथ, स्कैफोल्ड वो जो बांस वांस के स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब दीवार तैयार होंगी तो फिर लेंटर डलेगा, फिर उसके बाद चिनाई होगी अंदर की, दीवारों के ऊपर सीमेंट किया जाएगा, जब वो सूख जाएगा तब सफाई होगी, पेंट होगा, और जब पेंट हो जाएगा तो गृह प्रवेश होगा। फिर अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कहां कौन सी तस्वीर टांगनी है और बना लोगे तुम अपना घर। सेम ऐसे जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, पहले उस टॉपिक का प्लॉट तो देख लो, उस प्लॉट का नक्शा तो चेक कर लो, और फिर उस नक्शे में फिलिंग करनी शुरू करो। एनीवे, फिर आती है बात 4 नंबर की यूनिट की, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। यहां पर होस्ट पैरासाइट इंट्रक्शन की बात है, माइक्रोब्स कैसे एंटर करते हैं, और सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, और मल्टीसेलुलर पैरासाइट्स भी है। सेल सिग्नलिंग, सेल आपस में कम्युनिकेट कैसे करती है, सेलुलर कम्युनिकेशन, कैंसर बायोलॉजी, और इननेट और अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। पॉइंट नंबर ई में इननेट और अडैप्टिव इम्यून सिस्टम तो ऐसे लिख दिया जैसे कि 2-4 लाइनों की कहानी हो, पूरी किताब है कंप्लीट इम्यूनोलॉजी। और इसके अलावा जहां तुम इसकी बात करोगे माइक्रोबायोलॉजी, ये बात करोगे सेल बायोलॉजी, और ये भी सेल बायोलॉजी में आ जाएगा, और ये पूरा इम्यूनोलॉजी है। तो 3 किताबों की स्टोरी है मोर और लेस। सेल बायोलॉजी वाले पार्ट आप यहां से करोगे, अल्बर्ट ब्रूस ले लो या लॉडिस, या दोनों मिला लो। इम्यूनोलॉजी के लिए अब्बास बाबूजी का देख लो और क्यूबी साहब की किताब देख लो। और रही माइक्रोब्स की स्टोरी, तो बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रुक की किताब ये बड़ी अच्छी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से क्या करना है, जैसे होस्ट पैरासाइट इंट्रक्शन, इसका एक चैप्टर अल्बर्ट ब्रूस में भी है, उसको भी देखो, और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी से भी पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखो। सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन और कैंसर,
इसके लिए अल्बर्ट ब्रूस और लॉरिस दोनों को पैचअप करो और वहां से पढ़ो मिला करके। और इननेट ऑटोइम्यून सिस्टम तो भाई क्यूबी या अब्बास या दोनों, ये तुम्हारे हुनर पर डिपेंड करता है कि तुम कितना झेल सकते हो। भगवान का शुक्र है यूनिट नंबर 5 का जहां डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात कर रखी है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मोर और लेस एक किताब काफी है जिस किताब का नाम है गिलबर्ट। लेकिन गिलबर्ट तक पहुंचने का सफर आसान नहीं है, इसीलिए यह पहली यूनिट नहीं है। गिलबर्ट की बातें समझने के लिए आपको जीन रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन ये सब पता होना चाहिए, यहां तक कि मेटाबॉलिक पाथवे भी, इसीलिए इस यूनिट को यहां रखा गया। लेकिन अगेन गिलबर्ट आपका फाइनल होम है जो इन्फॉर्मेशन का है। तो अगर आपको पहले नक्शा तैयार करना तो पहले डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ो कैम्बल नाम की बायोलॉजी किताब से। मुश्किल से 60 पन्ने में तुम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ लोगे लेकिन तुम्हारा एक नक्शा तैयार हो जाएगा और अब उसके अंदर फिलिंग जो करनी है वो करो गिलबर्ट से। कुछ एक चैप्टर लॉरिस के भी यहां हेल्प करेंगे बातों को समझने के लिए, खास तौर से जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जीन रेगुलेशन वाली कहानियां हैं। देन आती है बात यूनिट नंबर 6 की, सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटोरेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट के हार्मोन, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, स्ट्रेस फिजियोलॉजी। तो भाई क्या ये एक किताब एक सब्जेक्ट की स्टोरी है? अब जो ये पहली दो बातें हैं, ये दो बातें आपको कैंबल में भी मिलेंगी फ्रेम बनाने के लिए और उसके अलावा सेल बायोलॉजी में भी। और मैं तो यहां सलाह देता हूं कि बायोकेमिस्ट्री की लैनिंजर किताब भी देखनी चाहिए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी इसी के अंदर आ जाएगा। हाँ, ये प्लांट हार्मोन वगैरह इसके लिए आपको प्लांट फिजियोलॉजी देखना पड़ेगा या फिर प्लांट बायोलॉजी किताबें, तो लैनिंजर ये काम आएगी आपके। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के लिए खास सोर्स है। बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स जो प्लांट्स की मेन बातें हैं। फिर सिमिलरली कैंबल को आप फ्रेम के लिए इस्तेमाल करोगे पूरी की पूरे टॉपिक्स को देखने के लिए और फाइन डिटेल्स बढ़ने के लिए तेज भाई साहब को बुला लोगे उनकी प्लांट फिजियोलॉजी किताब के द्वारा। यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल्स की कहानी और तुम भी तो जानवरी हो, कितना समझा लो अपने आपको जानवर के जानवर रहोगे। अब आई बात ब्लड एंड सर्कुलेशन की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, सेक्रेटरी सिस्टम, थर्मोरेगुलेशन, स्ट्रेस एडाप्टेशन, डाइजेशन और एंडोक्राइनोबायोलॉजी एंड इंडक्शन। ये टॉपिक की जब आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है फ्रेमवर्क तो कैंबल नामी किताब काम आएगी। मतलब हर चैप्टर को रिप्रोडक्शन पहले कैंबल से पढ़ो, कैंबल से बढ़ने के बाद इनवर्टिब्रेट जूलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी से आप इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ सकते हो डिपेंडिंग कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। लेकिन कैंबल बायोलॉजी एक इस तरह किताब है जैसे कि आलू। यार आलू बड़ी कमाल की सब्जी है, तुम चाहो तो टमाटर में डाल लो या गोभी में या फिर अकेले इसकी पकौड़ी बना लो। सेम ऐसे ही कैंबल की ये बायोलॉजी किताब, ऐसी बायोलॉजी किताब और भी है, कैंबल मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये किताब ऐसी ही है, जहां डल जाए मजा आ जाए, स्वाद का स्वाद और फ्रेम का फ्रेम। उस फ्रेम को फिलअप करने के लिए लैनिंजर बहुत सपोर्ट करेगा लेकिन मत भूलना ये जूलॉजी है। देखो किडनी लीवर आपस में मिलजुल के कैसे काम करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन है वो लैनिंजर में दिखाई देगा, लेकिन जब तुम अकेले एक्सक्रीशन की बात करोगे तो वो तुम्हें दिखाई देगा एनिमल फिजियोलॉजी में। अब आती है बात मेंडल साहब और उनके प्यारे बच्चे मटर के पौधे। सिर्फ कहानी मेंडल की नहीं होती, मेंडल के बाद कौन कौन आया, क्या क्या गुल खिलाया। तो मेंडल के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, जीन मैपिंग के मेथड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, क्वांटिटी जेनेटिक्स, म्यूटेशन, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड रिकम्बिनेशन, ये है सो कॉल्ड इनहेरिटेंस बायोलॉजी। अब यार कहने को तो फिर ये भी एक यूनिट है। और याद है ना चतुर सिंह तो यूनिट वाइज टॉपिक वाइज तैयारी कर रहा है, तो चतुर सिंह एक तरफ तो यूनिट नंबर 3 में डीएनए डैमेज रिपेयर पढ़ के आ रहा है और अभी उसने जब यहां पर आया तो उसने कहा कि ये कुछ और है और वो कुछ और था। जब कभी म्यूटेशन की बात करेंगे तो चतुर सिंह कहेगा म्यूटेशन तो टॉपिक है यूनिट नंबर 8 का टॉपिक नंबर आई, और जब कोई बोलेगा डीएनए डैमेज रिपेयर तो बोलेगा अच्छा जी वो तो टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का। ओ भाई साहब, जो डीएनए डैमेज है उसी को म्यूटेशन कहते हैं और उसी को तो रिपेयर करके हम लोग चीजों को सही करते हैं, और जब डैमेज होगा तो क्या इफेक्ट होगा वो इफेक्ट यहां दे रखे हैं। तो कायदे में तो इस लाइन को वहीं पढ़ा जाना चाहिए था। जेनेटिक्स के लिए बड़ी अच्छी अच्छी काफी सारी किताबें हैं, चाहे वो बेंजामिन ए पियर्स की हो या फिर टैमरिन की हो या रसल की हो, और इसके अलावा स्नस्ट और सिमंस की हो। ये वो किताब है लास्ट वाली जिसे आप कई बार गार्डनर भाई साहब के नाम से जानते हो। गार्डनर भाई साहब तो रहे नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आर आई पी,
एनीवे, तो हमें ये जेनेटिक्स की किताबें सारी की सारी फॉलो करनी एग्जैक्टली ऐसा जरूरी नहीं है, बट किताबों को स्कैन मारना जरूरी है, क्योंकि हर टॉपिक हर किताब में अच्छा नहीं है, कुछ टॉपिक सभी किताब में अच्छे हैं। जैसे कि मैं कहूंगा कि सिमन से ले लो मेंडल, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन कम्प्लीमेंटेशन ये भी सिमन से ले लो, एक्सटेंशन भी सिमन से ले लो, साथ में पियर्स को ऐड कर दो, और अगर ज्यादा मन कर रहा हो इसको और डिटेल में जाने का तो रसल भी ले लो साथ में। मैपिंग की कहानी के लिए पियर्स अच्छी है और रसल्स, तो फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ये किसी से भी चल जाएगा। माइक्रोबल जेनेटिक्स सिमन्स, ह्यूमन जेनेटिक्स पियर्स और सिमन्स मिला करके, और सेम ऐसी कहानी है क्वांटिटेटिव की। म्यूटेशन तो भाई डीएनए बायोलॉजी में जाकर पढ़ो, यहां मत पढ़ो। स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसके लिए पियर्स बेंजामिन वाली स्टोरी और रिकम्बिनेशन में भी, हालांकि रिकम्बिनेशन कहानी वाटसन के अंदर बड़ी रखी है, लेकिन काफी डिटेल में पूरा चैप्टर है कंप्लीट एक जरा से टॉपिक के ऊपर। अब आती है बात यूनिट नंबर 9 की, डायवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जिंदगी में जहां देखो वहां डायवर्सिटी डायवर्सिटी है, अपने आप को देख लो, तुम भी तो डायवर्स फॉर्म हो। प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइन है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये खास बात है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न। ये यूनिट का कुछ पार्ट ओवरलैपिंग है आगे वाले के साथ और पीछे वाले के साथ भी। डायवर्सिटी की कहानियां और इस यूनिट की स्टोरी का भी फ्रेम बनाने के लिए बायोलॉजी की कैम्बल किताब बड़ी अच्छी है, हालांकि उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिएगी, फिर चाहे वो फाइलोजेनेटिक ट्रीज की हो, तो मुझे कुछ इवोल्यूशन की किताबों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इवोल्यूशन में जहां हम ये सीखते हैं कि हमने स्टडी कैसे किया था, आउटपुट के रूप में आज जो अवेलेबल है हम उसकी बात भी करते हैं, और कुछ ऐसी ही बातें हमें एलिमेंट ऑफ इकोलॉजी किताबों में मिल जाती हैं, जिन्हें आपको देखना बहुत जरूरी है। वंडरफुल लाइफ तो रियली में वंडरफुल है, देख के मजा आ जाएगा, और आपका आलू वाली किताब यहां भी रखी हुई है कैंबल साहब। यूनिट नंबर 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, एनवायरमेंट हैबिटेट एंड नीच, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पेशीज का इंट्रैक्शन, कम्युनिटी की इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन तो इकोलॉजी इकोसिस्टम की, बायोजियोग्राफी तो अप्लाइड इकोलॉजी, फिर कंजर्वेशन बायोलॉजी। इनमें से जो बातें बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीशीज का इंट्रैक्शन, और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये भी है इकोसिस्टम की इकोलॉजी, और मत भूलना कंजर्वेशन बायोलॉजी को। जो बाकी बाक नहीं हो रहे हैं वो पूछते नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये कि इनमें से काफी बातें पूछी जाती हैं, और अगर आपने एक बार इकोसिस्टम को ढंग से समझना शुरू कर दिया तो फिर आपको चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर दिखाई देंगी। यहां भी कैंबल साहब की किताब नो डाउट आपके फ्रेम तैयार करेगी, बट एलिमेंट एंड फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजी ये है जो बहुत हेल्प करेंगी। कुछ बातों में इवोल्यूशन बाय डगलस भी दिखाई देगी, लेकिन आगे जाकर के। यूनिट नंबर 11 मोरलेस डगलस से ही है, और उस यूनिट में मिलने वाली जितनी भी ये चीजें हैं, इमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, मैकेनिज्म, ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, इनमें से कई सारे एग्जाम्पल तो इतने मजेदार हैं कि तुम भूल जाओगे तुम पढ़ाई कर रहे हो। अगेन किताबों के मामले में बात करूं तो सबकी स्टोरी शुरुआत कैंबल से करोगे तुम। कैंबल में एक यूनिट दे रखी है जो इवोल्यूशन पर डिपेंड करती है, वहां के 5 चैप्टर पूरे पढ़ करके आप फ्रेम तैयार करोगे, और फिर उस फ्रेम में इस इवोल्यूशन से इंफॉर्मेशन को फीड करोगे। इकोलॉजी किताबें केवल इकोलॉजी की नहीं होती, वहां इवोल्यूशनरी बातें भी आती हैं, खासतौर से एनिमल बिहेवियर वाली, वो जिक्र आपको वहीं से फीड करना है। और इसके अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाए और हिम्मत बच जाए, दम बचा हुआ थोड़ा बहुत, तो अल्बर्ट ब्रूस की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल के कुछ इवोल्यूशन वाले चैप्टर भी देख लेना, बड़ी हेल्प करेंगे वो। अब आती है बात यूनिट नंबर 12 है। भाई ये यूनिट देख के बड़ा दिमाग खराब होता है मेरा, तो ऐसा लगता है जैसे सीएसआईआर वाले हमारी फिरकी ले रहे हो। कम ऑन यार, अप्लाइड बायोलॉजी में जो उन्होंने टॉपिक दे रखे ए बी सी डी ई एफ जी एच, जान लोगे बच्चों की क्या? माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ओ भाई सारे अमीनो एसिड्स, सारे वाइटामिन, सारे एंटीबायोटिक, सब कुछ तो यहाँ आ गया। अपनी एमएससी में 6 महीने में एक पेपर था पूरा मेरा इसी एक लाइन के ऊपर, भगवान जाने क्या देंगे, और अक्सर इसमें तो क्वेश्चन भी नहीं आता। एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल वैक्सीन डायग्नोस्टिक, चलो दे दिया, लेकिन ये क्या हुआ? टिश्यू एंड सेल कल्चर मेथड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यार एक ही लाइन देकर के बड़ा सिंपल सी बात बोल दी, 2 अलग किताबें हैं इसके लिए। ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स, मॉलिक्यूलर अप्रोच टू डायग्नोसिस एंड स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, जीनोमिक्स और उसकी एप्लीकेशन हेल्थ एग्रीकल्चर में, बायो रिसोर्स ब्रीडिंग प्लांट एनिमल्स में, बायो रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन, बायोसेंसर, ये टॉपिक जहां आधे आधे पन्ने के हैं,
तो कई सारे टॉपिक्स भाई पूरी पूरी किताब के हैं। यहाँ जिन किताबों को मैं लेके आऊँ चाहे कितनी भी ले आऊँ, ये सारी कलाकारी किताबों के अंदर फिट होने वाली में से नहीं है। जहाँ आपको एनिमल सेल्स के बारे में जानने के लिए कल्चर ऑफ एनिमल सेल्स बाय फ्रेश ने देखनी पड़ेगी, तो प्लांट सेल के लिए आपको वॉकर देखनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए स्टानबरी देख लो। बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अच्छी किताब है, खासतौर से लास्ट वाले टॉपिक्स को कवर करने के लिए। और अगर आपको मोटे रूप से केवल फर्मेंटेशन प्रोसेस समझना है तो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो वो इम्यूनोलॉजी वाली बात कर रखी थी वो यहाँ काम आ जाएगी, और कुछ एक सेल की भी। मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी वॉटसन की और जीन क्लोनिंग ये आगे काम आने वाली है। वैसे तो मैं कहूँ सही मायने में यार यूनिट नंबर 12 को यहाँ होना भी नहीं चाहिए था, यूनिट नंबर 12 से पहले 13 आने चाहिए थे, जहाँ पर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मेथड जो टीए ब्राउन जैसी किताबों से आते हैं, हिस्टोकेमिकल और इम्यूनोटेक्निक्स जो सेल बायोलॉजी जैसी किताबों से आते हैं, बायोप्रोसेस के मेथड्स, स्टेटिस्टिक वाले मेथड बच्चे की जान लेने के लिए, और रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, इलेक्ट्रोफिजिकल मेथड्स और मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी। भाई चतुर सिंह यहां तक आते आते बावड़ा हो जाएगा, अपने बाल नोच रहा होगा बैठ करके कि मैं कैसे इसको होल्ड करूं। पॉइंट ये है, लेनिंजर में जब तुम प्रोटीन बायोलॉजी पढ़ते हो तो वहीं पर क्रोमेटोग्राफी भी होती है, वहीं पर और भी टेक्निक्स हैं प्रोटीन लेबलिंग की भी, तो आपने वहीं क्यों नहीं की? आप क्यों चतुर सिंह बने? आपने क्यों कहा कि भाई यहां तो मैं प्रोटीन ही पढ़ूंगा, टेक्निक में वहीं पढ़ूंगा, यूनिट नंबर 13 में जाकर के? आपने एक कहानी के पन्ने उधेड़ दिए। इस सिलेबस की सबसे बड़ी कमी यही है कि कहानी जो एक है उसके पन्ने तोड़ तोड़ करके अलग अलग हिस्सों में रखे हुए, इसलिए बच्चे सेंस नहीं बना पाते, और इसलिए ये कहते हैं कि एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, कहानी बिल्डअप करने की आदत डालो। भाई चलो हमने मान लिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली कहानी, इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक किताब चाहिए, बट अगर तुम अल्बर्ट ब्रूस पढ़ोगे तो तुम्हें भी तो वहां इसकी फाउंडेशन दिखाई देगी। इसके अलावा टीए ब्राउन जैसी किताब भी बड़ी हेल्प करती है। तो माइक्रोस्कोपी हुई, अलिजा हुई, या फिर फिश, या दूसरे इस तरह के ऐसे फ्रेट वगैरह, जहां जहां उनका जिक्र किया गया था नॉर्मल टेक्स्ट में, चाहे सेल बायोलॉजी में, चाहे डीएनए बायोलॉजी में, चाहे जेनेटिक्स में, वहां पर भी आप इन टेक्निक को करके आओगे और तभी नहीं समझ पाओगे, और एक बार समझ में आ गया तो फिर काम बन जाएगा। तो जहां आपने पीछे वाली सारी किताबें देखी थी वो किताबें यहां भी हैं, बस इस केस में विल्सन वॉकर बढ़ जाता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर टेक्निक आपको यही मिल जाएंगे बायोस्टैट छोड़ करके। कुछ लोग इस सिलेबस को देख करके चतुर सिंह की तरह सीना चौड़ा करते हैं और एग्जाम में पहुंच जाते हैं और धक्के खा के वापस आ जाते हैं, या फिर कुछ लोग समझदार होते हैं जो कहानियों को बिल्डअप करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर एग्जाम देने जाते हैं। तुम्हारा एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एटीट्यूड तो किसान का भी इंपॉर्टेंट है। यार हो सकता है कि आज तुम लोग फ्लैट्स में रहते हो, मोबाइल फोन पे खेलते हो, बट तुम्हारी पिछली पीढ़ी या उससे पिछली पीढ़ी किसानी बैकग्राउंड की रही है, जमीन से जुड़े हुए लोग। उस टाइम के बच्चे बच्चे भी जानते थे कि अगर किसी को गेहूं उगानी है किसी खाली जमीन में, तो ऐसा नहीं है कि बस गेहूं उगेगी कल उग जाएगी गेहूं, पहले जमीन तैयार करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसमें खाद पानी डालना पड़ेगा, फिर सीड डालेंगे, सीड जर्मिनेट होंगे, फिर सीड का ध्यान रखना पड़ेगा, खरपतवार निकालनी पड़ेगी, आलतू फालतू जो वीड्स होती हैं, टाइम टाइम पर खाद देना होगा, पानी देना होगा, और बच्चे की तरह ध्यान रखना होगा, और फिर जाके 5-6 महीने में फसल रेडी होगी। सेम यही कहानी एग्जाम की है। जब आप अपने शेड्यूल को रेडी कर रहे होते, कल से हम शेड्यूल बनाएंगे, मेहनत करेंगे, आप खेत तैयार कर रहे हो अपना, फिर आपने पढ़ना शुरू किया, खेत को जोतना शुरू कर दिया आपने, आपने किताबें इकट्ठी की, मैटर इकट्ठे किए, रिसोर्सेज इकट्ठे किए, आपने उसमें खाद पानी बीज डाल दिया, और आप हर रोज पढ़ रहे हो टाइम लगा करके, तो आप अपनी फसल के ध्यान रख रहे हो, आपकी फसल धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी, और एग्जाम के दिन बड़ी सारी खूब बंपर फसल पैदा होगी रिजल्ट के साथ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार एग्जाम की तैयारी तो लास्ट के दिनों में होती है, कौन बेवकूफ ऐसा होगा जो एग्जाम से 5 दिन पहले तैयारी करे? भाई दिन ऐसे निकलने वाले हैं भाई साहब कि देखते रह जाओगे और सोते रह जाओगे और एग्जाम आ जाएगा, फिर लास्ट मोमेंट पे अलग अलग लोगों को मैसेज करना, प्लीज सर मुझे इसका एक इंपॉर्टेंट वीडियो दे दीजिए, प्लीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, ये तलाशते फिरोगे? फिर ये बोलोगे मुझे कोई एक पन्ने में, एक पैराग्राफ में मुझे ये बता दे कि जो एग्जाम में आएगा। कम ऑन, क्यों यार लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे हो? अपने आप को मजबूत करो, समझदार बनो और उठ के खड़े हो जाओ अभी के अभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ये चीज विचारों करने से नहीं आने वाली,
ऐसा आने की उठे बैठे अपनी कुर्सी के पास अपने देना शुरू कर दिया, मैं मेहनत करूंगा, कल मैं मेहनत करूंगा, परसों ये होगा, उससे आगे ये होगा, फिर एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊंगा, कुर्सी लुढ़क जाएगी, नीचे गिर जाओगे। जाग जाओ, बिना मेहनत करे कुछ काम नहीं होने वाला। बस ये याद रखो, सब कुछ करना जरूरी नहीं है, सब कुछ कर सकते हो बढ़िया, बट अगर कुछ छूट भी जाता है तो देयर इज नो पेन, ओनली गेन। और वैसे भी मत बोलो आई फ्लाई का साथ तो घबराने क्या बात भाई, जहां आई फ्लाई आपके लिए लेक्चर का मैटर तैयार करता है, उन किताबों में से छांट छांट के उन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा एक कहानी के रूप में गूंथता है जिन्हें गूंदने में आपको टाइम लग सकता है, तो फिर आपको समरी बनाने में भी हेल्प करता है। ये आपको हेल्प करेगा टॉपिक को समझने में, टॉपिक को बांधने में, और साथ में हर रोज आपको एंगेज रखने में। छोटे बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू असाइनमेंट्स आते हैं, टेस्ट करते हैं, आप अपडेट करते हो, मैं डांट भी लगाता हूं तो कभी कभी बधाई भी देता हूं, शाबाशियां, गुड, इस तरीके से मोटिवेशन बना रहता है। और रूटीन अंतराल पर आप एग्जाम भी देते हो, और वो भी ऑनलाइन, घर बैठे जहां तुम्हारा अच्छा करे वहां से तुम एग्जाम दे सकते हो। ये एग्जाम देने से तुम्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है, तुम्हें पता रहता है कि तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तुम ठीक चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। भाई अल्टीमेटली कंट्रोल तो तुम्हारे दिमाग को करना ना, तुमने अपना दिमाग कंट्रोल कर लिया तो शेड्यूल बना लोगे, शेड्यूल बना लोगे पढ़ लोगे तो एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। तो कंट्रोल योर माइंड एंड ब्रेक द एग्जाम, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है बट आसान भी नहीं है। करने की कहानी केवल तुम पे छुपी हुई है, हाउ मच यू बिलीव योर सेल्फ, क्या तुमसे ना होगा वाली लाइन सही करोगे या तुमसे हो जाएगा। भाई शॉर्टकट कुछ नहीं है, कोई तुमसे कहता हो तू सो जा, लास्ट के एक महीने मेरे पास आ जाना, मैं तेरा एग्जाम क्वालिफाई करवा दूंगा, ओ भैया क्यों लुट रहे हो यार, कोई तुम्हारा एग्जाम लास्ट के एक महीने में क्वालिफाई नहीं करा सकता, मेहनत तुम्हें करनी पड़ती है। जितना तुम कम मेहनत करोगे उतने ही तुम्हारे चांस एग्जाम क्वालिफाई करने घटते जाएंगे, फेलियर और सक्सेस दोनों तुम्हारे ही हाथ में। और इसलिए मैंने कहा था कि इस पूरी कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तुम हो। ये जो दूसरों को ब्लेम करते हो ये करना छोड़ो, अपने आप को देखो तभी अपनी ट्रॉफी पा पाओगे और जीत पाओगे। आई फ्लाई के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से आप बहुत एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, CSIR NET, DBT, GATE, ISMR, JRF, SELECT या फिर PhD के एंट्रेंस। अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं तो MSc के एंट्रेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। आई फ्लाई की ये क्लासेस लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, घर बैठ के पढ़ाई करो, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, लाइव के लिए स्काइप पर आना पड़ता है, व्हाट्सएप के थ्रू असाइनमेंट आता है, सप्ताह में 2-3 दिन लाइव क्लास चलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर तो हर रोज तुम्हारे पास अवेलेबल होते हैं। घर को स्कूल बनाने के लिए आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981, हम लोग कॉल करेंगे और समझाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो घंटी के साथ, और फिलहाल तो चलो जग जाओ, काम करो और मजे करो। चलो फिर बाय बाय।